हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ बथुआ वाली दाल बनाने। तो देखिए बथुआ वाली दाल कैसे बनता है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बथुआ, इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर इसको धुल कर कट करेंगे। तो इस बथुआ को मैंने पहले अभी देख लेती हूँ, इसका घास वास निकाल देती हूँ इसमें से। तो देखिए फ्रेंड, बथुआ को मैंने साफ़ करके अच्छे से धुल लिया है, इसको मैंने 4 बार धुला है 4 पानी से। तो यहाँ पे मैंने बथुआ को धुल लिया है और यहाँ पे मैं ले ली हूँ दाल, चना की दाल है और अरहर की दाल। तो इसको भिगा दिया है मैंने धुल कर। तो अब चल इसको कट कर लेते हैं बथुआ को पहले। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुकर में मैंने दाल को डाल दिया है, इसका पानी छान कर अब मैंने बथुआ को भी कट कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रहता है दाल गाइस, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो इसमें डाल देते हैं बथुआ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बथुआ और दाल को डाल दिया है, तो साथ में ही डालेंगे हल्दी। इसमें आप लोग मतलब टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं की हूँ। मैं इसको तड़का लगाऊंगी दाल पकने के बाद। तो अभी यहाँ पे मैं हल्दी और नमक डाल करके पानी डाल के रख दूंगी उबलने के लिए। यहाँ पे डाल देते हैं नमक, ये सब मसाले और मतलब जो भी हल्दी और नमक हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। तो मैं यहाँ पे लगभग 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ की हूँ फ्रेंड, क्यों अपनी क्वांटिटी के अनुसार ये सब चीज़ें डालिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने चावल बना लिया है, उसी कुकर में मैं दाल बैठाने जा रही हूँ। तो अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे, फिर गैस पे चढ़ा देते हैं, इसमें 5 सीटी आने देंगे, क्योंकि चने का भी दाल है तो थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो इधर पक रहा है चाय और इधर उबल रहा है दूध। तो मेरा चाय पक गया है, तो इसको उतार के दाल बैठा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दाल को रख दिया है, अब इसमें 5 सीटी आने देंगे। फ्रेंड जब तक दाल पक रहा है तब तक मैं लहसुन छील लेती हूँ छौंकने के लिए। तो यहाँ पे पूरा 6 सीटी कंप्लीट हो गया है, तो मैं गैस को ऑफ़ कर दी हूँ फ्रेंड। अब इसको ओपन करेंगे और फिर इसका छौंक मतलब दाल को छौंकेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दाल बहुत अच्छे से पक गई है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दाल छौंकने के लिए मैंने मतलब कि छोटा सा 2 मिर्च ली है लाल, और लहसुन ली हूँ जिसको बीच से कट कर लिया है। यहाँ पे थोड़े से जीरा डालूँगी और हींग डालूँगी। तो दाल तो अच्छे से पक गया है एकदम, बहुत ही अच्छे से। और इधर मैंने तेल रख दिया है कलछुल में लाल होने के लिए, तेल लाल भी हो गया है। तो इसमें लगा मतलब डाल देते हैं लहसुन। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड लहसुन को डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे थोड़े से जीरा। जीरा भी मैंने डाल दिया है, तो इसको नाइफ़ की सहायता से चला लेंगे। लहसुन अच्छे से पकने लगा है। और बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो फ्रेंड ये बथुआ वाली दाल है, ऐसे ही पालक वाली दाल भी हम बनाते हैं। मतलब ये सब सेहत से भरपूर होता है, मतलब बथुआ तो जानते ही हैं सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो उसको लहसुन से छौंकेंगे तो काफ़ी टेस्टी दाल लगता है ऐसे, लहसुन और हींग से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लहसुन थोड़ा मतलब पक गया है अच्छे से। तो अब इसे में डाल देते हैं सूखे लाल मिर्च और हींग। तो इधर मैंने दाल को तड़का लगा दिया है।
तो इधर देखिए फ्रेंड, बथुआ वाली दाल रेडी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमीजा। तो अभी बहुत भाप निकल रहा है तो मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ अच्छे से, फिर भी मैं ऐसे ही करके दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये दाल अभी थोड़ी पतली है लेकिन और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको ऐसे ढक के ही रख देंगे ताकि इसका जो भाप है निकले ना। तो अभी मैं इसको अलग मतलब किसी बर्तन में निकालूंगी और डेकोरेशन करूंगी, हरा धनिया, हरा लहसुन, मतलब ऐसे डाल करके। बाय बाय।